हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। और आप में से काफ़ी बच्चों के मेल आ रहे थे कि उनको क्वांट के सेक्शन में बहुत इशू आ रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका ये इशू तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे मुझे मेल कर रहे थे, Z300 के भी काफ़ी बच्चे मेल कर रहे थे, है ना, तो और ये लोग भी, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो चीज़ें बताऊँगा ढंग से फॉलो कर लेना, आपका भला हो जाएगा, मतलब है ना। अगर मैथ से बहुत डरते हो तो भी कट ऑफ निकालने लायक काम तो बता ही दूंगा, और नहीं डरते हो तो फिर टॉप भी कर लोगे इस सेक्शन में। ठीक है, तो ध्यान से बातें सुनना। ठीक है, और हाँ, अभी तक अगर आपने Z300 परचेस नहीं किया है ना, देखो बाकी सब एग्ज़ाम हो ही चुके हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाओ catipmed.com/Z300। अच्छा, Z300 उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी मैथ्स ऑलरेडी थोड़ी ठीक ठाक है ना। देखो ज़्यादा मैं वो ऐसी मार्केटिंग नहीं करता कि नुकसान करा दो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक हो मैथ्स में तो फिर हमारे 300 कोई भी सीरीज काम में नहीं आएगी। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है ना, क्योंकि उसमें हम लोग थोड़ा मीडियम टू हाई लेवल, जैसे जेट में क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलो अभी काम की बातें चालू करते हैं, ध्यान से सुनना है ना। आपकी मैथ्स भले ही कितनी भी वीक हो, है ना, ये वीडियो देखने का कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। ठीक है, देखो नॉर्मली जो कट ऑफ जाता है क्वांट का, सबसे पहले तो हमारे फंडे क्लियर हो, है ना, QA का जो कट ऑफ जाएगा वो रहेगा आपका, आप 8 मार्क्स मिनिमम मान लो ना, और 10 मार्क्स मैक्सिमम मान लो। तो मेरा मानना है कि जो भी कट ऑफ रहेगा वो 8 to 10 के बीच में रहेगा, है ना। 8 से थोड़ा कम हो सकता है, 7.5, 7.6, लेकिन 10 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग मिनिमम, देखो ये तो मैंने कट ऑफ की बात कर दी, अब अगर कट ऑफ ऊपर चले गया तो, इसलिए हम बात करेंगे कि मिनिमम 10 मार्क्स कैसे लाए जाए क्वांट में, है ना। अच्छा, जेट की मैथ्स देख के कई लोग घबरा भी जाते हैं कि यार कितना होगा क्या होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपने 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और एक आध भी गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो फिर अगर मिनिमम 10 मार्क्स हमें चाहिए तो मान के चलते हैं हमें 13 क्वेश्चंस अप्रॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, है ना। 13 में अगर मान लो एक दो गलत भी हो गए, है ना, तो भी 0.5, दो भी गलत हो गए तो 0.5 कटेगा, 11 सही हुए 0.5 उसमें से कट गए तो 10.5 तो फिर भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो अनअटेम्प्टेड का कुछ कुछ मिला मुलू के मतलब 10 अप्रॉक्स मार्क्स ला सकते हैं, कट ऑफ तो निकल जाएगा अगर 13 हम अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी के साथ करें तो। ठीक है, फिर एक दो गलत हो जाए तो अलग बात है, है ना। नॉर्मली देखो कोई कितनी भी बड़ी फैकल्टी हो, कोई कितना भी बच्चा हो, अच्छा एक आध गलती के चांस रहते हैं कि यार हो सकता है कि एक आध गलत हो, सिली मिस्टेक्स कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 3+2 कई बार जल्दबाजी में 6 लिख दिया, है ना, ये गलती बहुत लोग करते हो गए ना, 3+2 जल्दबाजी में 6 कर देते हो गए, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं कई बार जल्दबाजी में, इसलिए बोलो 13 क्वेश्चंस का चल के देखते हैं। तो अब अगर आप की मैथ्स कितनी भी वीक है तो देखो, अगर 26 to 28 क्वेश्चंस आएंगे क्वांट में, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 13 क्वेश्चन कर लो, कट ऑफ निकल जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। और हाँ, अच्छी है तो हमारा Z300 और कर लो तो आप 26 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब 13 क्वेश्चन कैसे करे जाए, अब एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, है ना, या रैंडम लोगों से पूछते हैं तो सब यही बोलते हैं जेट की मैथ्स बहुत टफ है, जेट की मैथ्स बहुत टफ है। देखो तो जितना डरोगे उतना लोग भी डराएंगे और आपको डिग्रेड ही होगे मतलब परफॉर्मेंस में, और ऊपर से आप में से हो सकता है कई बच्चे हों जिनका कैट का रिजल्ट देख के वैसे ही डाउन हो गए हों बेचारे, ठीक है, तो उन सबसे अब आपको उभरने का समय आ गया है, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। इस बार प्लस पॉइंट ये हुआ कि कैट का रिजल्ट जेट के 1-2 दिन पहले नहीं आया, काफ़ी पहले आ गया, तो अभी आपको पता है आपको क्या करना है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो किसी की बात मत सुनो, सबसे पहला काम, जो भी आपसे बोले कि आपका मैथ्स में ना हो पाएगा उससे बोलो हमारा तो हो जाएगा, तुम्हारा भले ही ना हो पाए, ठीक है, भले ही वो फिर कोई भी हो। अब कैसे करना है ये मैं बताता हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक तरीका है, किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक वॉक दे रहे होगे अगर कम नंबर आ रहे होंगे तो देखो डिमोटिवेट ही हो रहे होंगे। अच्छा, ZZT बना रहे हैं ना, मतलब XLRI में जाने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, अब Z के पेपर उठा के देखो ना, देखो मैं भी बोलूँगा, हो सकता है मैं आपको गुमराह कर दूँ,
गलत बता दूं, या आप किसी भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो वो बोल रहे हो कि जेट बहुत टफ होता है, हो सकता है उसको खुद नहीं पता हो जेट क्या होता है। सबसे अच्छा तरीका क्या किसी भी एग्जाम को एनालिसिस करना है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। और इतनी बुद्धि तो भगवान ने आपको भी दी हुई है कि आप समझ जाओ कि पेपर के साथ है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के मिनिमम मिनिमम 6 ईयर्स के पेपर करो आप, ठीक है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर आपने कैट IFT इन सब एग्ज़ाम की ठीक ठाक लेवल पे भी तैयारी की हुई है, तो आप देखना जब जेट के ओरिजिनल पेपर देखोगे तो आपसे मोर देन 13 क्वेश्चंस बन रहे होंगे। जो नहीं बन रहे उन पे ध्यान मत देना, जो बन रहे उन पे ध्यान देना, ये मेरी बात लिख के देख लो, है ना। जो नहीं बन रहे उन पे ध्यान मत देना, जो बन रहे उन पे ध्यान देना, मोर देन 13 निकल के आएंगे, है ना। यहाँ से कॉन्फिडेंस गेन होगा। और मान लो फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो, तो देखो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे, अब आप लोग इतना तो तक अगर वीडियो देख रहे हो तो इतना तो समझ गए होगे, टफ से टफ क्वेश्चन के सबसे इजी सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो जेट के केस में मैंने मेरी प्लेलिस्ट पे जाना चैनल की, जेट के 2015 2016 2017 18 पूरा इसलिए लिख रहा हूँ, अभी बताता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आ जाए कि कितनी मेहनत मैंने भी की है आपके लिए, है ना। 22 के अभी अपलोड कर ही रहे हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ईयर्स के तो ऑलरेडी हैं प्लेलिस्ट पे, और 2022 के भी 2 पार्ट्स तो अभी तक अपलोड हो चुके हैं, और अभी अगले कुछ दिनों में पूरे पार्ट्स अपलोड हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ईयर्स के, मैंने तो ऊपर यहाँ पे 6 ईयर्स लिखा है, 8 ईयर्स के पूरे सॉल्यूशन मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख लो। यहाँ पे क्यों देखने की बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो बाकी जगह हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो, लेकिन मेरे सॉल्यूशन देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आउट ऑफ 25-26 क्वेश्चन 2-3 ऐसी हो कि जो ऊपर से निकल जाए, ध्यान ही मैं नहीं देना है हमें उन पर, है ना। हमारा टारगेट तो क्या है, 13 या 13+ करना है हमें। तो अगर इतने हो रहे हैं, सॉल्यूशन देख के भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मुझसे तो 13+ बन जाएंगे, बात खत्म, कट ऑफ निकल गया आपका, है ना। ये सब चीज़ें कि आप देखो, ये वीडियो बनाते बनाते मुझे अभी 8th मिनट चल रहा है, अब ये मैं मेल पे इतना टाइप नहीं कर पा रहा था काफ़ी बच्चों को, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक वीडियो ही बना देता हूँ, तो जिन भी बच्चों के मन में मैथ्स को लेके जो भी डर होगा ये वीडियो देखने के बाद निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप तैयारी करो, अभी भी काफ़ी टाइम है, ठीक है। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, किसी की बातों में मत आओ, एक बार बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देख लो, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, 12, 15, 16, 17 को तो छोड़ो, अगर 18 के बाद कैट की क्वांट का लेवल कम ही हुआ है एज कम्पेयर टू 15, 16, 17, यहाँ पे क्वांट का लेवल थोड़ा सा लो हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको 15, 16, 17 की टफ लगे तो इस पर ध्यान मत देना, 18 से देखोगे तो आपको क्वांट ईजी लगने लगेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस हो सकता है कि 5 to 6 टफ मिल जाए, ध्यान ही मत दो, 20 तो आपको फिर भी ईजी मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और देखो हर एग्जाम में ऐसा होता है, हम लोग टफ क्वेश्चन के चक्कर में इजी क्वेश्चन भी नहीं करते, यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब कैट में भी लाइक मेरे इस बार कितने 99.9 है ना, और ये कितने क्वेश्चन में आउट ऑफ 22 15 क्वेश्चन में आ गए, तो 15 में अगर आ गए हैं तो मैंने भी कितने छोड़े, 7 क्वेश्चन तो मैंने भी छोड़े हुए हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन आप 5-6-7 छोड़ भी दोगे बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, 5-7 क्वेश्चन छोड़ दो, जेट में तो और भी ज़्यादा छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5-7 छोड़ भी दोगे तो 99+ ही परसेंटाइल आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे, अब जैसे जो 7 क्वेश्चन मैंने छोड़े, कई बच्चे उन 7 पे ध्यान लगाएंगे कि हमें ये करना है, भाई क्यों करना है, परसेंटाइल लाना है। इसलिए हर बार आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखो, ईजी क्वेश्चन टारगेट करना है, ना कि टफ, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। और एक फॉर्मूला या मंत्र बोल लो, मैं हर बच्चे को देता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, ये तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्टडी टेबल पे लिख लो, है ना, इजी फर्स्ट। ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो, रोज एक बार अपने आप से बोलो ही बोलो कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना है, भाई यही तरीका है। टफ क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, उसको भी सही करोगे तो भी एक ही नंबर मिलेगा, इजी क्वेश्चन को करोगे तब भी एक ही नंबर मिलेगा। तो अगर 2+2 पूछ रहा है वो छोड़ के आप कोई उठपटांग क्वेश्चन कर रहे हो, तो
तो फिर आप में गड़बड़ है, पॉइंट समझो। बाकी जो स्मार्ट बच्चा होगा वो 2+2 4 लगा के आगे निकल जाएगा, और आप वो टफ वाला क्वेश्चन करने में उलझे रहोगे कि यार इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। इस तरीके से अगर आप चल रहे हो तो आप 13 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन आप आसान तरीके से चलोगे, है ना, इजी इजी क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे, तो आप आराम से 13+ क्वेश्चन कर लोगे। ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।